झारखंड के जिला सिमडेगा के कोलेबिरा थाना परिसर में सोमवार को अंचलाधिकारी हरीश कुमार की अध्यक्षता में रामनवमी एवं सरहुल त्यौहार को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। वहीं बैठक में उपस्थित लोगों से अंचलाधिकारी ने कहा कि रामनवमी और सरहुल का त्यौहार आपसी सौहार्द के साथ मनाएं। इसके साथ ही जुलूस पर नियंत्रण रखते हुए शांतिपूर्ण रूप से झंडा लेकर गंतव्य स्थान तक जाएंगे। वहीं रामनवमी पहाड़ के ऊपर पेयजल व विद्युत व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। वहीं शराब बिक्री पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने को कहा। साथ ही रामनवमी पहाड़ के ऊपर अस्त्र के प्रदर्शन के मद्देनजर मेडिकल टीम एवं पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। वहीं बैठक में उपस्थित संजीत कुमार ने कहा कि तेज गति से चला रहे बाइकर्स पर प्रशासन नियंत्रण करे, इस वजह से दुर्घटनाएं अधिक हो रही हैं। वहीं इस पर SI रंजीत कुमार ने कहा कि वैसे लोगों का हेलमेट व ड्राइविंग लाइसेंस की जांच करते हुए उन पर नियंत्रण रखा जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जिन लाइसेंसधारियों ने अपना लाइसेंस जमा नहीं किया है वे अपना लाइसेंस आवेदन के साथ थाने में जमा कर दे। वहीं 29 मार्च व 30 मार्च को सालाना उर्स के आयोजन की विधि व्यवस्थाओं को लेकर भी चर्चाएं हुई। वहीं मौके पर सुमन कुमार, संतोष, वीरेंद्र शर्मा, रंजीव रंजन मुखिया, आलुमनी बागे, कुनूल होरो सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। अखंड भारत न्यूज के लिए वीरेंद्र तिवारी की रिपोर्ट, सिमडेगा।